आपके राज्य से ये जो मेडिसिनल प्लांट्स ऑर्गेनिक ढंग से उगाने के लिए, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जिन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला है, क्यों? भारत में एक अद्भुत प्राकृतिक क्षमता है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज तक कभी उन क्षेत्रों में कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं हुआ है। अगर आप में से कुछ लोगों को पता हो कि अब विदेश में जब ऑर्गेनिक फूड की डिमांड होती है तो वहां पर यह कहा जाता है कि पैकेट के ऊपर यह बात सत्यापित होनी चाहिए कि यह फूड उस जमीन से उगाया गया है जहां कभी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज हुआ हो। विदेशों ने तो सब अपनी जमीनें बर्बाद कर डाली, हमारे यहां यह चीज बची है। तो आप देखिए क्या हुआ कि किसी ने नहीं सोचा होगा, पहले होता था आयुर्वेद को थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे, मगर अब हमने कहां स्थापित किया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया, उसको मान्यता दी। इन दुनिया के तमाम देशों के अंदर जो परंपरागत मेडिसिन का सोर्स है और उसका केंद्र भारत में बना, यानी हम लीडर बने क्योंकि हमारे पास सबसे ऑथेंटिक आयुर्वेद का ज्ञान था और उसके लिए सरकार ने बजट में व्यवस्था की कि हर्बल मेडिसिन के प्लांटेशन के लिए 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की, उसका केंद्र भारत में जामनगर एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी में जाके बना, सॉरी आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी में जाके बना। अब यहां से एक और बात देखिए, आप सबने आयुर्वेद का नाम सुना होगा, आयुर्वेद बाय नेम इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ वेदास, और वेद क्या है? धर्म ग्रंथ। आयुर्वेद क्या है? मेडिकल साइंस। कभी आपने सुना है किसी दूसरे धर्म में धर्म ग्रंथ में मेडिकल साइंस हो? सिर्फ हमारे यहां। कभी कभी मैं एक बार अमेरिका गया 2008 में, तो वहां संघ की शाखा पे गए तो मैंने ऐसे पूछा कि भाई शाखा पे आना क्यों जरूरी है, तो उन्होंने कहा जी अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए। तो मैंने कहा हमारी सभ्यता संस्कृति में ऐसी क्या चीज है दूसरों से अलग है? तो कोई कहेगा हम बड़े उदार हैं, हम बड़े, हमने कहा जो आप सत्य अहिंसा उदारता कहते हैं सभी धर्म ये क्लेम करते हैं, ठीक है, कोई उसका पालन करता कोई नहीं करता, क्लेम सब करते हैं जी हमारे अंदर भी है, हमें तो वो चीज बताइए जो दूसरी जगह लिखी ही नहीं। तो उन्होंने कहा क्या, तो मैंने पहला उदाहरण दिया आयुर्वेद, मेडिकल साइंस रिलीजियस टेक्स्ट का पार्ट हो, मैं चुनौती से कहता हूं दुनिया में किसी दूसरे धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। और आपने वैदिक मैथमेटिक्स का नाम सुना होगा, वैदिक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, कभी नहीं सुना होगा आपने, वो भी सिर्फ हमारे यहां। और उल्लेखनीय अगर आपको ध्यान हो तो पुरी के शंकराचार्य ही थे जिन्होंने सबसे पहले वैदिक मैथमेटिक्स के 16 सूत्रों के ऊपर 16 बाकायदा वॉल्यूम लिखे थे। और संयोग देखिए, ये 1910 में उन्होंने शायद कई विषयों में एक साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया था शंकराचार्य का पद धारण करने से पहले, और उनके जीवन काल में वो सारे चोरी हो गए। किसने चुराए होंगे भाई? ब्रिटिश हुकूमत थी, और चुरा कर वो ज्ञान कहां ले गए होंगे और उसका कैसा उपयोग किया जा रहा होगा? अगर आप बहुत सी चीजें सोचे तो 1910 और 20 के बाद बहुत सारी वैज्ञानिक खोजें वहां हुई। फिर उन्होंने स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने अपनी मेमोरी से जितना उन्हें दोबारा लिख सकते थे तो एक उन्होंने ग्रंथ लिखा जिसमें उन सारे 16 सूत्रों को एक साथ उन्होंने किया, जिसमें जैसे पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण, यानी अपने से एक से पहले। और अगर आप उन्होंने से किसी ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो मैथमेटिक्स अर्थमेटिक का फर्स्ट फार्मूला क्या बताया जाता है? देयर इज अ नंबर एक्स हैविंग सक्सेसर एक्स प्लस वन। क्या यह एकाधिकेन पूर्वेण का सिर्फ अंग्रेजी अनुवाद नहीं है? तो आप यह सोचिए कि हमारे अंदर वो था कि हमारे यहां विज्ञान और धर्म दोनों साथ साथ चलते थे, इनमें कभी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, और इसमें किसी भी प्रकार का, आप में से शायद बहुतों ने सुना हो, भास्कराचार्य बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उन्होंने एक बड़ा प्रख्यात ग्रंथ लिखा है लीलावती। लीलावती उनके ग्रंथ का नाम जानते क्यों था? क्योंकि उनकी पुत्री का नाम लीलावती था, और उन्होंने अपनी पुत्री के नाम के ऊपर क्यों लिखा? वो इतने जितने बड़े गणितज्ञ थे उतने बड़े ज्योतिषी थे। उन्होंने, ये कथा है कि उनकी पुत्री की कुंडली में वैधव्य योग था कि वो विवाह करेगी और विधवा हो जाएगी, तो भास्कराचार्य जी ने पूरी गणना करने के बाद यह निकाला कि अमुक मुहूर्त में यदि विवाह होगा तो यह विधवा नहीं होगी। और यह कहा जाता है कि उस जमाने में तो घड़ी थी नहीं,
तो वो जो रेत वाली नहीं होती है उससे कैलकुलेट किया जाता था। परंतु एक बार जब वो विवाह के समय के लिए आए तो उन्होंने देखा रेत तो बहना रुक गई थी। पता चला रुक कैसे गई? तो ये कहानी है कि लीलावती के ही श्रृंगार का एक मोती गलती से रेत में चला गया और वो जाके उस पॉइंट पे फंस गया, तो अब तो पता ही नहीं चला, वो मुहूर्त तो निकल गया। तो इसलिए भास्कराचार्य ने अपनी बेटी से कहा, कोई बात नहीं बेटी, अब मैं तुम्हें ये जीवन में नहीं दे पाया तो मैं तुम्हें वो नाम दूंगा कि तुम्हारा नाम इतिहास में सर्वदा के लिए अमर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम लीलावती रखा और उसमें एक से एक गणित के डिटेल ग्रंथ है, डिटेल्स है, और वो जितने बड़े ऋषि हैं उतने बड़े गणितज्ञ। हमारे यहां कोई भेद नहीं है, आर्यभट्ट जितने बड़े एस्ट्रोनॉमर हैं उतने बड़े ऋषि हैं, हमारे यहां कोई भेद नहीं है, भेद उनके यहां है। इसलिए वो हमारे ऊपर यह थोपने का प्रयास करते हैं कि विज्ञान का धर्म से टकराव होना चाहिए। हमारे यहां कहा जाता है किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं, यह सामंजस्य ही होना चाहिए। इसीलिए आप एक चीज कभी अगर आप ध्यान करें कि भगवान जगन्नाथ जी के का जो ब्रह्म तत्व है, जो ब्रह्म पदार्थ जिसे हृदय माना जाता है, वो कितने वर्ष में एक बार बदला जाता है? 12 वर्ष में। अभी 2015 में जून के महीने में बदला गया था। कभी आपने सोचा 12 ही वर्ष में क्यों बदला जाता है? हर चीज का हमारे यहां एक आधार है। 12 वर्ष में इसलिए बदला जाता है कि हमारे यहां जो ग्रह माना जाता है धर्म का, समर्पण का, निष्ठा का, नैतिकता का प्रतीक, वो बृहस्पत ग्रह माना जाता है, जिसे देवगुरु कहेंगे। बृहस्पत का एक साइकिल 12 वर्ष का होता है, इसलिए हमारे सारे महान पर्व 12 वर्ष की साइकिल में है, वो चाहे कुंभ मेला हो या यहां पे बदला हो। आप सोचिए क्या इससे पहले किसी सभ्यता को पता था कि 12 साल का साइकिल होता है जुपिटर का? और एक मजेदार बात आपने कभी ध्यान दी हो, गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? भारी। गुरुत्वाकर्षण वहीं से आया है। और क्या कहा जाता है? गुरु आपको अनेक समस्याओं से बचाता है। आज जाके साइंस को पता चला कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हैवी प्लैनेट कौन है? जुपिटर, गुरु, और उसका ग्रेविटेशन पावर सबसे स्ट्रांग है। इसलिए सोलर सिस्टम के बाहर से आने वाले बहुत से एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स होते ना जैसे छोटे छोटे टुकड़े, अगर वो धरती तक पहुंच जाए तो धरती तबाह हो जाए, उनको वो अपने अंदर घसीट लेता है। तो अब आप सोचिए, गुरु सबसे भारी प्लैनेट है, गुरु हमें अनेक विपत्तियों से बचाता है, और गुरु के आवर्त काल पर ही हमारे तमाम धार्मिक कार्य होते हैं। इतनी वैज्ञानिकता आपको किस धर्म में देखने को मिलती?